बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक मूवीज कौन बनाता है? राइट, अक्षय कुमार। फिर तो आपको यह भी पता होगा कि वो इंडियन नहीं, कैनेडियन सिटीजन है। उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में टैक्स देते हैं, इनफैक्ट 7 साल तक कैनेडा गए भी नहीं है। एज अ फॉरिनर वो ये कैसे कर पाते हैं? डुअल सिटीजनशिप? नो, एज पर पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967, अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो तुरंत आपको इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। मतलब एक साथ अक्षय कुमार कनाडा और इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते। इसका भी एक जुगाड़ है जो गवर्नमेंट लेकर आई थी 2005 में, OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे इंडियन जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी और देश की सिटीजनशिप ले चुके हैं वो OCI ले सकते हैं। OCI लेने के बाद ये व्यक्ति इंडिया में रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, एसेट्स खरीद सकते हैं और इनको लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है विद अनलिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन ये इंडिया में वोट नहीं कर सकते। इसलिए आपको पोलिंग डे पर बाकी फिल्म स्टार्स की फोटोज तो मिल जाएगी लेकिन अक्षय कुमार की नहीं। वैसे आप किसी भी देश के सिटीजन हो, एक बटन जरूर दबा सकते हो, वो है LLA का सब्सक्राइब बटन।